गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ स्टार्ट मैथ सॉरी हिंदी टॉपिक है। आज का टॉपिक है, देखिए आज का टॉपिक है दो वर्णों से बने शब्द। मैं आपको पीछे एक जैसे वर्ण पढ़ा चुकी हूँ और आज मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको दो वर्णों से बने शब्द। दो वर्ण का वर्ण, आपको वर्ण बताई थी ना कौन कौन होते हैं वर्ण, ये सारे वर्ण हैं, ये सब सारे वर्ण हैं। देखिए दो वर्णों से बने शब्द मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ आज, देखो और समझो। ये देखो, आप इसको देखो, ये क्या है, घर है। क्या है ये? घर। अब देखिए ये घर, घर में एक वर्ण घ है और जोड़ एक और वर्ण मिल गया है र, घर। घर घ और र मिलकर क्या बन गया है? घर। दो वर्ण मिलकर एक शब्द बन गया, वो शब्द क्या है? घर। ज है ग, दोनों मिलकर क्या बन गया? जग। ख ग खग, क्या हो गया? खग। न ल नल, ये हो गया नल। ह ल फल, ख जुर्ण मिलकर बन गया फन। ब जुर्ण बन, र जुर्र स रस, ये हो गया रस। देखो ये घर है, ये जग है, ये खग है, ये नल है, आप लोगों ने नल देखा होगा घर में जो पानी देती है। ये देखो ये फल है, आप ये सब फ्रूट्स खाए हुए हो। और ये देखो फन, ये फन, ये सांप है जिसका ये फन है, ये फन हो गया। वन, ये देखो ये वन हो गया। रस, ये देखो आप सब पीते हो जूस, इस तरह से ये रस। तो देखिए देखिए ये सब वर्ण है और ये हो गया शब्द। ये जो है ये दोनों अलग अलग है, ये वर्ण है और ये जो एक जगह मिलके बन गया तो हो गया शब्द। आप देखो तो ये तो वर्ण मिलकर शब्द बने और यहाँ मिलकर शब्द दिया हुआ है घर, जग, खग, नल, फल, फन, वन, रस। तो जो जो आप यहाँ पढ़े हो यहाँ यहाँ पे दिया हुआ है, ये घर है, ये जग है, ये खग है, ये नल है, फल, फन, वन और रस। इस तरह से ये हो गया दो वर्णों का शब्द। तो दो वर्णों का शब्द आपको याद रखना है, और भी बहुत सारे होते हैं। ओके, आप यहाँ पे देखो एक और है, जिस तरह पढ़ाई हूँ उसी तरह ये भी है। थ जुर न थन, ब जुर स बस, व जुर का वक, र जुर थ रथ, य जुर ग्यर यग, ध जुर न धन, ह जुर लहल, ख जुर तक ह खत। ये हो गया दो वर्णों का शब्द, थन बस वक रथ यग धन हल खत। तो इस तरह से आपको दो वर्णों के शब्द पढ़ने हैं और याद करने हैं। आपको ऐसे पढ़ने हैं थ न थन, ब स बस, व क वक, र थ रथ, य ग्य यग, घ न धन, ह लहल, ख त खत। इस तरह से आपको पढ़ने हैं। ओके,